तो गुस्सा करता हूँ तो हाथ काट लोगी। ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा। चलो जाने दो ना, जो हो गया सो हो गया, अभी इस चीज को क्यों सोचना। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हूँ ना, तो मेरी प्रॉब्लम नहीं हो सुमित। तुम अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हूँ तो मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ ना। हो तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। ऐसा ना, ये सब ऐसे ना झूठी बातें मत क्या करो। तो देखो मैं बेटर है कि मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाता हूँ। तुम चले जाओगे सुबह तो मैं मर जाऊंगी। छड़ ना जाई ना दिलो कट ना जाई। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो आज क्या है ना, मतलब कोई प्रैंक नहीं है एक्चुअली। अब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ अपनी लाइफ से थोड़ा सा, तो मैं वो सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाहती हूँ। तो बस थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम था, तो कल मैंने ना कुछ ऐसी कदम उठा लिया जो मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है, मुझे करना नहीं चाहिए था। तो मैंने गुस्से में कल अपना हाथ काट लिया था, ठीक है। हालांकि ज़्यादा नहीं कटा, बच गया, बट तकलीफ़ तो तकलीफ़ होती है। और रात में क्या किया, रवीना ने जाके सुमित इसको वीडियो कॉलिंग कर दी, उसने बताया ऐसे देखो सना ने ऐसी ऐसी हरकत करी है, सही है ये चीज़ें। और सुमित बहुत ज़्यादा परेशान था, रो भी रहा था, तो बुरा लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब कि ऐसी चीज़ें कितनी भी प्रॉब्लम लाइफ में क्यों ना हो, हमें ऐसे कदम तो उठानी ही चाहिए। तो बस ठीक है, अभी वो आता है तो अब देखो क्या बोलेगा। तो मैंने पहले ही कैमरा लगा लिया, क्योंकि मैं जो भी बात हो आप लोगों को बता चले, ठीक है, उसका गुस्सा जो भी है, ठीक है। बाकी आप वीडियो में बने रहो और लव सपोर्ट करो, प्यार दो, बस ना कहना चाहती हूँ लव यू गाइस। और सॉरी, खुद को बोलना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस। हाय। क्या हाय? बैठो बैठो। ये क्या है, ये सब ये पूछ रहा हूँ। बस गुस्से में कर लिया। मतलब किस चीज का गुस्सा था ये तो बताओ। जाने दो, वो तो रवीना ने मुझे बता दिया, तुम तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। तुम जानते हो मैं कितनी डिस्टर्ब चल रही हूँ। तो डिस्टर्ब चल रही तो फिर क्या करें, हाथ काट लोगी? ऐसे ही है, जब समय होता है तकलीफ होगी तो फिर जानते ही हो। मतलब तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर मान लो नस कट जाए, ज्यादा ब्लड निकल जाए तो क्या होगा? मरी नहीं ना। तो फिर फालतू बातें बोल रही हो, नहीं बोल रही हो? मरती तब बोलते ना, मैं बच गई ना। चलो बात कर रहा हूँ, बस परेशान हो गई थी सुमित। क्या परेशान हो गई थी तुम, ये तो बताओ मुझे। तुम्हें पता है ना कितना रोई हूँ मैं दो तीन दिन, तो फिर तुम भी तुम्हारे सामने की बात है, ऐसा तो नहीं है सुमित। ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा। चलो जाने दो ना, जो हो गया सो हो गया, अभी इस चीज को क्यों सोचना। खुद अब गंदा फील हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सच्ची बता रही हूँ। सना अगर तुम तकलीफ में हो तो मुझे भी तकलीफ होती है ना। आई नो सुमित, तुमने एक बार भी सोचा चलो कि यार मेरे पे क्या बीतेगी? तो अभी क्या कर सकते सुमित, मेरे को उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, परेशान हो गई तो बस। तो फिर हाथ काट लो, कुछ भी समझ नहीं। अकेली थी सुमित, तो फिर किसी से मन भी नहीं कर रहा था बात करने का, और फिर सडनली दिखाओ थोड़ा सा कितना लगा है। नहीं मैं नहीं दिखा रही, दिखाना भी नहीं। बोलो काटा ही क्यों? तुम भी तो मेरे पे इतना गुस्सा करते हो। तो गुस्सा करता हूं तो हाथ काट लोगी? जहाँ मुझे समझना चाहिए वहाँ तुम समझे नहीं, फिर मेरे को और तकलीफ होती है ना सुमित। एक अभी मैं किससे उम्मीद रखूँ, मेरे पास क्या बचा? मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं ना सुमित, मैं तो अकेली पड़ गई हूँ, मैं तो तुम ही लोग को अपना समझती हूँ ना। तो तुम हाथ काट लोगी? मान लो मैं गुस्सा करता हूँ तो हाथ काट लोगी? अजीब हाल है यार, बहुत टेंशन में थी इसलिए ऐसा कर लिया। टेंशन दूर हो गई? अब टेंशन दूर हो गई? अगर देखो तुम्हें ऐसा लगता है ऐसा ना कि भाई मेरे रहने से तुम टेंशन में आ रही हो, है मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो तुम हाथ काट ले रही हो, तो फिर एक काम करता हूँ ना सना, अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हूँ ना, तो मेरी प्रॉब्लम नहीं हो सुमित। तुम अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हूँ तो मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ सना। हो तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। बस है तकलीफ यार, वो तकलीफ है तो मैं चला जाता हूँ ना, मुझसे ही तो तकलीफ है।
ऐसा क्यों सोचते हो यार? ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ, ऐसा तुम सोचने पे मजबूर करवा रही हो ना। जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना तो रह ही नहीं सकती। कुछ भी नहीं था ना, ये सब ऐसे ना झूठी बातें मत क्या करो। मुझे नहीं पता, मुझसे दूर रहो, तुमने बहुत गंदी हरकत कर दी। पता आई नो, मुझे खुद गंदा फील हो रहा है। तुम क्या बोलोगे, मैं जो किया वो सही नहीं किया समझ, और मुझे ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। ये कदम उठाना सही नहीं है मेरे हिसाब से, पर मैं डिस्टर्ब थी ना, परेशान थी, तो फिर इसलिए मेरे को बस इस वजह से। तुमने तो देखा ही मुझे दो तीन दिन कितना रोया। हाँ तो ये बताओ, मान लो मैं तुमसे कोई चीज़ बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर मैं तुम पर गुस्सा कर लूँगा, कुछ भी कह दूँगा तो तुम हाथ काट लोगी। ऐसे तो तुम भी गुस्सा करती हो, मैं तो अपना गला काट लूँगा। जितना तुम करती हो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे गला काट लेना चाहिए। पागल हो, चलो जाने दो। क्या जाने दूँ, अब प्यास रखो ना भी, जब पता मैं इतना रो के आई हूँ। नहीं नहीं देखो सना, मैं आ भी नहीं रही थी, तुमने बोला इसलिए मैं आई, मैं ना आ भी नहीं रही। मैं किसी की लाइफ से खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। तुमने जो हरकत करी है ना एक छोटी सी चीज़ पे, तो देखो मैं बेटर है कि मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाता हूँ। तुम चले जाओगे ना सुबह तो मैं मर जाऊंगी। देखो सना मेरी बात सुनो, मन्ना मुन्नू तो ये बेकार की बात है, अगर तुम यही सब हरकतें करोगी तो मैं और जल्दी तुमसे दूर हो जाऊँगा। मतलब तुम एक छोटी सी गुस्से वाली बात पे हैं, और छोटी सी चीज़ पे जो है तुम इतना बड़ा एक्शन, मतलब खुद को वो कर लोगी, चोट पहुँचा लोगी। चलो तुम्हारी प्रॉब्लम मैं ही तो हूँ। हाँ बोल भी रही हो तुम, अभी तुमने सर हिलाया, तुमने बोला भी मैं ही दूर हो जाता हूँ। मरने वाली कर ही रही हो ना, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है इसमें और उसमें, थोड़ा सा हाथ कट जाए और मर जाती। बच गई ना मैं, ज्यादा नहीं कटा। किसके पास जाओगे तुम? मैं भगवान जी के पास चला जाऊँ। हम दोनों मिलेंगे वहाँ पर? फिर वही रोमांस क्या करेंगे। सना मत करो ये। अच्छा अब नहीं करूँगी कभी भी, सॉरी आपसे नहीं करूँगी कभी भी ऐसा। अब जो हो गया सो हो गया। अरे दिखाओ तो सही, लगिए देखो, ऐसे नहीं पकड़ना, खोल के दिखाओ। हाँ खोलूँ, मना किया है तो फिर मत खोलो। पता नहीं कोई दवाई लगाई है। मन तो कर रहा है यहाँ से खोपड़ी पे ईंटा मारूं एक तुम्हारे। मार दो, यहाँ भी दवाई लग जाएगी। कहाँ मारना, यहाँ मारना, यहाँ मारना, तो यहाँ दवाई लग जाएगी। पीठ पे मारना, पीठ पे मार दो, सीने पे मारना, सीने मार दो। जख्म तो सब दे ही रहे, तुम भी दे दो, क्या चला जाएगा, मर जाएंगे है ना। तुम यार यही डायलॉग बाजी करनी है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। जा रही तो चले जाओ, मैं दुनिया से चली जाऊँगी, ठीक है? नौटंकी मत करो, सच्ची बोल रही हूँ। गाना गा सुना वो, तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा। समझ में आया? अब बता दो तुम क्या चाहते हो। सॉरी अब आज के बाद कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूँगी, कभी भी, मतलब कभी भी नहीं करूँगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जिसकी वजह से मेरे को बहुत अफसोस है, मेरे घर वाले को परेशान किया मैंने, तुम्हें परेशान किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। चाहे मैं कितनी भी, तुम पता है ना, मुझे पता ही ना मेरा नेचर कैसा है, मैं छोटी छोटी चीज़ों से इमोशनल हो जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ, तो तुम देख जान सकते हो मुझे तो एकदम से। सॉरी छोड़ो, मुझे कुछ नहीं देखना अब, आज के बाद ये सब चीज़ें मत करना, ठीक है? चलो यहाँ से आओ। नहीं खाया? क्यों, टेंशन थी ना इसलिए नहीं खाया। चलो आओ खाना खिला, खाओ। क्या खिलाओगे? जो तुम्हें पसंद, वेज बिरयानी खा लो। हाँ वेज बिरयानी, वो कोक पीने का मन कर रहा है तो कोक पी लेना, आ जाओ। ठीक है, नाराज तो नहीं हो? नहीं बट ये सब चीज़ें मत, कभी नहीं करूँगी। अभी मैंने जो कर दिया आपको कर दिया, अब कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करूँगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो, और कभी भी ऐसी, सॉरी। ठीक है क्या बताना तो भूल गई मैंने। कैमरा? हाँ कैमरा लगाया था, वो देख रहे गाड़ी के पीछे कैमरा लगाया था। क्यों? एक्चुअली जो हरकत करी है ना तो मैं नहीं चाहती। तो प्रैंक था ये? प्रैंक नहीं है ये, सही से दिखाओ, हाथ काटा भी है। हाँ तुम देख लो, काटा है मैंने, सच्ची मजाक नहीं, नहीं रात में तुम्हारा से मजा, इतनी देर मजाक करूँगी क्या? ठीक है
वो कैमरे से लगाए क्योंकि कभी भी कोई मेरे जैसी हरकत ना करे। मुझे नहीं पता, मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं बहुत परेशान कर दिया। चलो गाइस बाय, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। आप लोग भी ऐसे कदम कभी मत उठाओ, कितनी भी परेशानी हो लाइफ में, बहुत जितना भी डिस्टर्ब हो ये मत करना, ठीक है। बाय।